फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये एक नोटिफिकेशन, मतलब समझ लीजिए कि ऑफिशियली नोटिस जो है काफ़ी वायरल हो रहा है और टेलीग्राम में मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं। आज सुबह भी काफ़ी 10 से 15 लोगों का ये मैसेज आया है कि क्या एग्ज़ाम 15 तारीख से स्टार्ट है। 15 अक्टूबर से RRC ग्रुप डी का एग्ज़ाम 15 तारीख से स्टार्ट है, ऐसा कुछ आया हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। देख सकते हैं जैसा कि RRB का नोटिस आया करता है एग्जाम के पहले, आप देख सकते हैं कमेंसेशन ऑफ CVT, एक्टिवेशन ऑफ मॉक लिंक, इंटीमेशन ऑफ एग्जाम सिटी डेट, ठीक है, सब कुछ बिल्कुल मतलब जैसा कि आता है बिल्कुल एज इट इज आया है। अब बहुत लोग कंफ्यूज हैं, देखिए डेट क्या दे रखा है, 13 तारीख, ठीक है, चेयरमैन ऑफ RRB, सब कुछ लिखा हुआ है कि CVT एग्जाम जो है 90 मिनट का होगा, 190 मिनट होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन एज पब्लिश्ड RRB, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, सब कुछ। मतलब इस नोटिस को देखने के बाद एक बार मैं भी, मेरे को लगा कि क्या ये नोटिस सही में आ गया क्या। जब मैंने सभी साइट में चेक किया, जितने भी RRB साइट में है, मैंने पहले अभी बैठकर सारे एक एक करके चेक किया, जितने भी RRB है वहाँ ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला। तो ये नोटिस आया कहाँ से? दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि अगर ये नोटिस तभी आएगा जब RRB के किसी भी जोन में, एक भी जोन में अगर ये आ जाता तो आप समझ सकते थे कि ये एग्ज़ाम है, कहीं नहीं आया, मतलब ये एक फर्जी है, ठीक है। अब दोस्तों जूनियर इंजीनियर का पेपर हुआ था, आपने देखा होगा, ग्रुप डी का पेपर हुआ था, बिल्कुल उसको ही फोटो स्टेट करके उसने, जिसने भी किया होगा, जो भी दोस्तों ये कर रहा है अपना टाइम, वो अपना टाइम खराब कर रहा है और आप लोग को माइंड डाइवर्ट कर रहा है। दोस्तों ये जो भी कर रहे हैं समझ लीजिए इनका ज़िंदगी में कभी भला नहीं होने वाला, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जो भी ये लोग करते हैं जानबूझ के करते हैं, पता नहीं कौन करते, लेकिन कोई बात नहीं, आपको दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं, ये सारी फर्जी है। आपका एग्ज़ाम दोस्तों लगभग 1 मंथ लग जाएंगे होते होते, ये बात आप ध्यान रखिएगा। लेकिन ये डेट, ये जो 15 तारीख को है, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है दोस्तों। अब साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि दोस्तों ये था एग्ज़ाम का, कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं जरूर 100% करेक्ट देने की कोशिश करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, ग्रुप डी NTPC की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ठीक है। और दोस्तों आप देख सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम से हैं, तो दोस्तों ये स्टैटिक जी के आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन बुक है, एक बार आप ये बुक लेकर कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। आप देखते हैं साइंस की ये बुक है, 42 101 लाइनर है, ठीक है, इसको भी आप, इंग्लिश मीडियम की है, बहुत ही बेहतरीन बुक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें है, प्लस इसमें सिस्टमेटिक वे से दे रखा है, ठीक है। ये ट्रिकी जीके है, ट्रिकी जीके मतलब स्टैटिक जीके का प्लस ट्रिक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है दोस्तों, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि टॉप रैंकर्स का NTPC मॉक टेस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उसको, इसको एनरोल कर सकते हैं, मतलब आप फ्री में इस टेस्ट को दे सकते हैं। और दोस्तों और एक चीज़ आपको बता दूं, NTPC ग्रुप डी का सिलेबस सेम है, तो कोई भी आप टेस्ट दीजिए, NTPC दीजिए, ग्रुप डी दीजिए, क्योंकि मोस्टली सभी लोगों ने एक ही फॉर्म फिल्ड किया होगा, ठीक है, कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए। और दूसरा चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अभी से टेस्ट सीरीज़ जरूर करिए, फ्री में जहाँ से जो मिलता है दोस्तों फ्री में बिल्कुल उसका यूटिलाइज करिए, टेस्ट सीरीज़ में आपको पता चलेगा कि आपकी वैल्यू क्या है, इस टाइम आपकी पोजीशन क्या है, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये देखिए कल का नोटिस है, कल भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि कल देखिए एक आया था 16 तारीख, अब आप सोच सकते हैं एक दिन 15 तारीख आता है, एक दिन 16 तारीख आता है, तो इसको आप कैसे सही मान सकते हैं, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन है करेक्ट देने की कोशिश करूंगा दोस्तों, उन बुक्स को जरूर एक बार देखिएगा, हाँ, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम में क्या है, लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में, अगर आप जुड़े हुए हैं तो दोस्तों उसको जरूर जुड़ जाइए उससे, ठीक है। कभी कभी दोस्तों लिंक काम नहीं करता, तो 9560778806 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी अगर दिक्कत है, बुक्स में कोई इशू है, आप मेरे को इसमें मैसेज जरूर करिए, ठीक है। अगर आपको सैंपल चाहिए तो मैं सैंपल भी प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक ले दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।